वीर को हिप्नोटाइज करके यहाँ ले आएगा बॉस। वीर रोबोट है कद्दू इंसान, वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। तुम बस जाओ और रॉकेट का बंदोबस्त करो। रोबोट हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, लेकिन उसके दोस्त तो हो सकते हैं। Allow me to introduce myself. I am Ching Ching Choo. मैं हिप्नोटाइज करूं सबको, चाहे मोना हो या टिम्बकटू। हिप्नोटाइज? कैसे करते हो हिप्नोटाइज? जरा हमें भी बताओ। ये देखिए, चश्मा पहन के रेड बटन दबा दिया तो सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है, और ग्रीन बटन दबाया तो हिप्नोटिज्म खत्म हो जाता है। तुम वीर के किसी दोस्त को हिप्नोटाइज करो और उसे ये डेटा ट्रांसफर डिवाइस दे दो। जब वीर सो रहा हो, ये डिवाइस उसके दिमाग का सारा डेटा ट्रांसफर करके ये डिवाइस मुझे दे दो। फिर मैं वीर जैसे कई रोबोट बना सकता हूँ। कई रोबोट। और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहो, जितना चाहो। अब जाओ। और हाँ टिम्बकटू, ये रोबोट जैकेट भी उस दोस्त को पहना देना, क्योंकि तुम्हें इसकी रोबोटिक पावर्स के बारे में मालूम है। ओके बॉस। वो देखो, वो लड़की इमली वीर की खास दोस्त है। ओके, आज के बाद उसकी दोस्त नहीं रहेगी। इमली, इधर देखो, क्या तुम्हें ये चश्मा चाहिए? इमली, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या काम करना है और ये जैकेट का इस्तेमाल कैसे करना है। आओ मेरे साथ। ढाचू ढाचू। इमली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कर सकते, सब पहले जैसा करो और जाओ यहाँ से। काम बनाने की बजाय बिगाड़ते रहते हो। जाता हूँ, जब देखो मुझ पे ही गुस्सा होते हो। ओह, यकीन नहीं हो रहा, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लगता है सैटेलाइट फोटोज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वीर, अब तुम्हें ही जाना होगा। आओ मेरे साथ। और मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम दोनों नहीं जा सकते। वीर रोबोट है, उसे कोई खतरा नहीं। तुम दोनों को बहुत खतरा हो सकता है। और हाँ वीर, 100 मीटर डिग करने के लिए ड्रिलिंग सूट पहन लेना। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। और एक बात, तुम्हारे स्पेसशिप में एंटी कैमरा बीम्स हैं, जिन्हें मीटियोर पर लैंड करते ही ऑन कर देना। फिर कोई भी सैटेलाइट तुम्हारी तस्वीर शूट करके रिले नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि दुनिया देखे तुम वहाँ क्या कर रहे हो। हम भी नहीं देख पाएंगे। नहीं, हम देख सकेंगे। वीर के स्पेसशिप में एक कैमरा है, वो वीर का सब काम शूट करके हमें रिले करेगा और हम यहाँ बैठकर देख सकेंगे। All the best, वीर। वीर, अपना ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो देखो, रोबो बॉय जा रहा है।
सकते हैं रोबो बॉय मिट्योर पे जा रहा है। उसका क्या प्लान है पता नहीं, लेकिन वो फुर्सतगंज को बचाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। ये एंटी कैमरा बटन ऑन कर देता हूँ, अब कोई भी सैटेलाइट मेरी तस्वीर शूट नहीं कर पाएगा। ड्रिलिंग सूट ऑन। ड्रिलिंग सूट ऑन। जी हाँ चुलबुल। और वो चुपचाप बीच रात हमारे घर में घुस रहे हैं, वो ठीक है क्या? हाँ, देखो देखो फोटो में कितना सीधा लगता है, वैसे ये है बहुत चालाक। प्लीज कुछ चाय नाश्ता करोगे? थैंक्स थैंक्स। क्या ब्रेड जैम मिलेगा? बंटी, ट्रे हवा में उड़ रही है। जाओ मत, कुछ चाय नाश्ता तो कर लो। कल रात तो बंटी और बबली का चेहरा देखने लायक था। जिंटू, तुम्हें उनको इस तरह डराना नहीं चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया, चुलबुल ने कहा उन्हें सबक सिखाओ और मैंने सिखा दिया। अब वो वीर के घर में इस तरह नहीं आएंगे। बंटी, मैंने सुना है बुल को लाल कपड़ा दिखाओ तो वो भड़क जाता है। चलो हम उस बुल को लाल कपड़ा दिखा के भड़का देते हैं। वो भड़क के इधर उधर तोड़फोड़ करेगा और फिर देखते हैं वीर कौन सा जादू करके उसे कंट्रोल करता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत खतरा है, वो बुल हम पे भी अटैक कर सकता है, हमें ऐसा खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। टट्टा अंकल। देखो तुमने क्या कर दिया, मैं इसीलिए मना कर रहा था। आगे जाओ, देखो वीर क्या करता है। तुम पापा को बुल से नहीं बचा सकते, अब यही रुको। वो देखो एक बुल भड़क गया है और मिस्टर चड्डा को मार रहा है। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, भूख लगी है, चाट कहाँ है? वीर कुछ करो, वो बुल सबको मार रहा है। रोबो बॉस। ये इतने सारे क्वाइंस क्यों ले आए, रुपए कहाँ है? रुपए तो मैं वहीं छोड़ आया बॉस। कद्दू इंसान, जाओ रुपए लूट के ले आओ, इस बार क्वाइंस लाए तो देखना। तो देखा आपने ये भूत कैसे बैंक को लूट के ले जाता है। अभी तक 3 बैंक लूट चुके हैं। कौन है ये, कहां से आया है, रुपए क्यों लूट रहा है, किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना और पता चला है कि जहां भी बैंक लूटा जाता है वहां आसपास आइसक्रीम चाट जैसी चीजें भी ये लूट के ले जाता है। जिंटू, कहीं तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे ना? मैं तो सुबह से तुम्हारे साथ हूँ। ये चोर जो भी है, भूत तो नहीं है। इतना मैं जानता हूँ कि फुर्सतगंज के बैंक्स को बचाने के लिए इस चोर को पकड़ना जरूरी है। तुम सब मेरे साथ आओ। जहाँ रेड लाइट है वो बैंक लूटे जा चुके हैं, ये ग्रीन लाइट्स वाले बैंक ही बचे हैं और इन्हें लूटने से बचाना होगा।
इनसे मिलिए। ये हैं जूनियर वीर। ये छोटे रोबोट्स हैं। हम हर बैंक के सामने इन्हें खड़ा कर देंगे। इनमें स्पाई कैमरा लगा है। जिस बैंक में भी वो चोर आएगा हमें पता चल जाएगा। चोर तो दिखेगा नहीं, तो फिर पता कैसे चलेगा? चोर आएगा तो बैंक का दरवाजा खोल के ही अंदर जाएगा। ये जूनियर वीर अपने स्पाई कैमरा से बैंक का दरवाजा खुलते और बंद होते हमें इस स्क्रीन पे रिले करेगा। और फिर मैं वहाँ जाके उसे पकड़ लूँगा। हाँ, तुमने ठीक कहा वीर। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी इन्हें बैंक के सामने रख देता हूँ चुटकी बजा के। मैं जाके हर जगह चेक करता हूँ कि सब जगह जूनियर वीर ठीक से खड़े हैं कि नहीं। चिंटू ने अपना काम कर दिया है। अब देखते हैं वो चोर आ जाता है कि नहीं। वो देखो, उस बैंक का दरवाजा खुल रहा है। ये चोरी उसकी आखिरी चोरी होगी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन।